हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह का टाइम है और मौसम भी बहुत ही मस्त हो रखा है, देखिए। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ नानी आ रखी रहती है सुबह सुबह, उनका वहाँ पे फार्म हाउस भी है, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हम कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। अब यहाँ से हम कूदने वाले हैं। ये कूद मत, वैसे तो आप कैसे जाओगे? बैठ के जाऊंगी, चल बैठना पड़ेगा। भाई आएंगे कैसे? फिर दूसरों के घर से होके हम जा रहे हैं उनके खेत में अभी। और देखिए दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं। और नानी यहाँ आ जाती है 5 बजे। ये देखिए नानी का फार्म हाउस। तुम मेरे छोड़ते नहीं है क्या? ना हम सुबह सुबह ही पहुंच गए। थोड़ा सुबह से ना जाम में टायर पर सुबह सुबह तुम लग गए मेरे पीछे। तुम्हारा तो काम था हम नहीं है। हाँ, हमें आपकी याद आ रही है आजकल कुछ ज्यादा ही। आजकल ज्यादा ही नहीं कुछ प्यार हो। हाँ आजकल बहुत प्यार हो। अब मेरे बजट तो देखा पहली। हाँ बाग भगवान देखो, नींबू की डेरी नहीं पड़ना। और देखिए नींबू, नींबू देखिए पीले देना तू ले जा ले आती था। और ये खेलते हैं। और इस वाले में भी देखिए आप, ये भी देखिए। और वहां देखिए नींबू की लाइन लगी हुई है पूरी उधर। देखिए ये लेमन हार्वेस्टिंग चल रही है यहाँ पे, और इसका अचार डलेगा फिर। चल हाँ, तो नीचे से तो आ जाता है, वो तो डंडी से आ जाता है। बहुत चुभ रहे मेरे पे, सारी खेल गया। आए तो हम घूमने थे और हमें यहाँ आके फायदा हो गया, इतने नींबू मिल गए हमें। चौलाई भी ले जाना है सब्जी बनाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये कंडाली है और ये भी लगाई हुई है यहाँ पे। इसको कहीं कहीं पे सिसून भी कहा जाता है। और इसमें तो ये तो बहुत ही मतलब मेडिसिनल प्लांट है एक। इसमें आजकल तो बहुत ही डिमांड है इसकी, बाहर भेजी जा रही है, इतनी डिमांड है इसकी चाय पत्ती की भी। और इसका साग भी बनाया जाता है जो कि बहुत ही मतलब हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए दोस्तों, कितनी छोटी सी बेल है ये, और इसमें फूल भी आ गया है। देखिए कद्दू भी लग रहा है इसमें। और ये देखिए मिर्ची भी लग रही है नानी की। ले अब कुछ हुआ मिर्च देखो ना, मतलब से ना ये लोबिया है। और ये देखिए गुच्छे वाली मिर्च है नानी की। ये देखिए दे रहे हैं। हाँ ये देखो, ये तो बहुत अच्छी है। मैं भी दे रही, ये अच्छी लग रही है गुच्छे वाली मिर्च। और देख सकते हैं आप दोस्तों गुच्छे वाली मिर्च। तो नानी अपने सारे प्लांट्स में इसी तरह से देखिए, ये जो राख होती है एशेज ये डालती है भी, और मतलब नेचुरल चीज़ों का यूज़ करती है जैसे काउडंग वगैरह, और बाकी कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स और इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते। तो इसलिए उनकी खेती मतलब काफ़ी अच्छी रहती है और फसल वसल भी उनकी सही रहती है। ये देखिए दोस्तों, ये लौकी भी लगी है, ये बेल लग जा रही है ये नीचे बेल लो जो बड़ी। और अब हम जा रहे हैं नीचे वाले पार्ट में। और ये देखिए, ये भी नानी का एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस भी बनाए हुए हैं इनके लिए यहाँ पे, ताकि जो खेती करते हैं उनके जो भी रिजल्ट आते हैं तो वो वहाँ पे मतलब उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे रख सकें। ये नानी का दूसरा फार्म हाउस है और काफ़ी बड़ा है ये देखिए। और यहाँ पे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे पहले खरगोश रखते थे, बहुत सारे खरगोश थे ना नानी है। अभी बहुत पहले भी नहीं, बस कुछ टाइम पहले पिछले साल तक तो थे यहाँ पे बहुत सारे खरगोश, तो नानी उनका भी देखभाल करती थी। पेड़ है परमल का। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये गाजर के हैं बीज,
ये गाजर के हैं, ये बीज के लिए छोड़े हुए हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों, नानी ना घर में ही बीज बनाती हैं। तो ये जो ये बीज आप देख रहे हैं, ये पालक के हैं। तो ये पालक के लिए देखिए बीज छोड़े हुए हैं। तो नानी जो है अपने मतलब बाहर दुकानों से कमी लाती हैं और अपने आप ही बीज बीज बना के और तब अगली बार के लिए औरों को भी देते हैं। और ये देखिए ये सौंफ है, ये सौंफ आप देख रहे होंगे, ये सौंफ भी लगाई हुई है। ये इसमें तो बहुत बड़े बड़े नींबू होते हैं। कहाँ है? ग्रीन। अच्छा ये तो, और ये मीठा नींबू होता है, ये जो ये बड़े वाले। देखिए नानी का आंवले का पेड़, ये जो छोटा वाला है ये कागजी नींबू है। ये देखिए, तो ये आंवले के पेड़ पे जो ये बेल जाते हुए आप देख रहे हैं, ये स्क्वैश की बेल जा रही है, तो उसमें वही सब्जी लगेगी। हमने ये देखिए कटहल का पेड़ भी है नानी का, ये का मोटर टैंक है, यहाँ से वो पानी सारी चीज़ों में डालते हैं। भी बो रखी है नानी ने मूंग जो है, मूंग की दाल, और ये भिंडी भी देख सकते हैं आप। देखिए अमरूद का पेड़ भी है, तो अमरूद भी बहुत ही होते हैं और बहुत ही अच्छे और मीठे अमरूद होते हैं। पिंक वाले अमरूद बोलते हैं ना, जो वाले अंदर से पिंक होते हैं, तो वो वाले अमरूद होते हैं यहाँ पे। नानी जी आप यहाँ पे अब क्या लगाओगे जो ये खाली छूटा हुआ है? मंडवा लगेगा। अच्छा मंडवा लगेगा, मंडवा ये मंडवा की बहुत मांग रहे थे। हाँ और बहुत वो मतलब अच्छा भी होता है, अच्छा हेल्दी भी होता है स्वास्थ्य के लिए। बेचते हो क्या आप ये? अपने लिए बोती हूं। अच्छा अपने लिए बोते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मंडवा लगेगा अब लगेगा पूरा एक बीघा में। पिछली बार भी तो लगाया था ना आपने, पिछली बार भी लगाया था। क्यों हुआ नहीं था क्या पिछली बार? अरे वो गिद्धा गिद्धड़ गिद्धड़ बोलते हैं उन्होंने लिए, स्याल बोलते हैं पहाड़ में, स्याल बोल रहे अच्छा। गिद्धड़ बोल रहा वो ऐसे वहीं से खाएंगे ना, नहीं इसमें करेंगे तो यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं खाएंगे वो। अच्छा पता था ये बाहर मान लोगों से, पर फिर भी कोशिश तो करनी है। कोशिश तो करूँगी, छोड़ना क्यों है, छोड़ना क्यों है, डरना क्यों है गिद्धड़ों से। एक बार होगा तो दूसरी बात है, डंगर पाती थी एक भैंस मरी दो फिर ला गए। अच्छा एक गाय बिगड़ गई तो फिर लाए। अच्छा ऐसी करती थी, ऐसे थोड़ी सीख मत आ जाएंगे। सही बात है। हाँ। ऐसी हो गया तो अब नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे है? एक मत मत आ रो। देखो यहाँ जमा रखी है। अच्छा यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ अजवाइन रखी है। यहाँ पे पहले बहुत सारे खरगोश हुआ करते थे, यहाँ पे खरगोश। तो देखिए कितना स्पेस है यहाँ पे। तो नानी जो भी चीज़ें होती हैं तो नानी यहीं रखती हैं अपने सामान, जितने भी चीज़ सब्जियाँ। और ये देखिए लहसुन भी लगा यहाँ पे रखी है, लहसुन भी देखिए इस तरह से लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लहसुन टांगी हुई है, ऐसे ही लगाते थे। देखिए अपने घरों में लोग लहसुन लगा मतलब रख के रखते थे ऐसे टांग के, ताकि खराब ना हो वो। ये लहसुन देखिए कितने लकड़ी के टुकड़े में और कितने सुंदर तरीके से लहसुन लगाई रखी रखी है ये, पूरा एक अच्छा एक आर्टिफिशियल पेड़ बनाया हुआ है ये। ये देखिए दोस्तों कितना सही बनाया हुआ है नानी का, कमाल, बहुत ही अच्छा। अब नानी तैयार है गाना सुनाने के लिए, तैयार है फोटो के लिए तैयार है। देख लो ये रंग रंगीला दूर दूर दामू आएगा मेरा उत्तराखंड, सात जिले गढ़वाल में लग दमन, छह जिला कुमाऊं आएगा मेरा उत्तराखंड। वाह बहुत अच्छा गाया, ये तो बहुत ही अच्छा गाया आपने। बहुत चल में काम है। फिर चार महीना रूर के मास लाऊ दुमा, छह महीना जाड़ा आएगा मेरा उत्तराखंड, उत्तराखंड। वाह बहुत अच्छा गाते हैं आप तो, ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे गाना। तो देखिए चलिए दोस्तों इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे देखिए नानी जी क्या रखते हैं। ये देखिए पुदीना भी और रखा है नानी का तसारा, ये प्याज, यहाँ पे प्याज रखा है नानी ने और इस तरह से टांग के रखा है। तो देखिए पहले के जमाने में देखिए किस तरह से रखते थे प्याजों को,
ये ताकि खराब ना हो वो। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये ऐसे। देखिए दोस्तों नानी की जब हल्दी होती है तो ये देखिए पतीला भी रखा है यहाँ पे और ये लकड़ियाँ भी है, तो यहीं पे नानी अपनी हल्दियों को उबालते हैं। उबालते हो ना आप यहाँ पे हल्दियों को, तो यहाँ पे हल्दियाँ उबाली जाती हैं। सब सामान रखा है नानी ने यहाँ पे। अच्छा ये देखिए ये पाइप भी रखा हुआ है यहाँ पे पानी डालने के लिए। ये देखिए ये पाइप भी रखा हुआ है यहाँ पे पानी डालने के लिए। लकड़ी वकड़ी सब इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे। ये तार ये देखिए ये सारे ये लगाए हुए हैं नानी ने, ये ताकि ये बेलों के लिए किया हुआ है। ये सारी बेल वेल है जो इसी के ऊपर जाती है फिर। ये देखिए तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। थैंक यू।